मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मंडे और हम चेकआउट कर रहे हैं अपने होटल से और देखते हैं आज कहाँ जाना है। अभी तो कोई प्लान नहीं है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मौसम ये व्यू है हमारे होटल से, पहाड़ों में आ जाओ तो टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं लगता है। अभी ऐसा लग रहा है कि सुबह के 6 बज रहे हैं बट अभी एक्चुअल में टाइम 10:30 मॉर्निंग। अरे बाहर आते हुए तो दोस्तों आज लास्ट डे है आज मसूरी में हमारा। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। स्कूटी स्टार्ट होते हुए हमारा सफर फिर से स्टार्ट। एक लेट लटीट लोग, बहुत ज़्यादा लेट ये बंदे ऐसे जो हमें लेट करते हैं हर बार। तो दोस्तों मैं माल रोड की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैं सोचा था कुछ शॉपिंग हो जाती। तो दोस्तों शॉपिंग हो चुकी है और यहाँ पे ठंड भी बढ़ चुकी है। हमें जाना है कैंपटी फॉल, तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और ये कमल जी मास्क लगा रखा है इन्होंने, मेरे को भी लगाना है, अभी लगाते हैं। हाँ भाई शॉपिंग कर ली? हाँ कर ली है। ये दोस्त हमारे यहाँ पे गुस्सा हो रहे होंगे हमसे क्योंकि हमने बहुत टाइम लगा दिया है। भाई ज़्यादा देर हो गई क्या है, गुस्से हो गए? यहाँ पे हम शॉपिंग कर रहे हैं स्कार्फ वगैरह की, शॉल्स जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मम्मी के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ यहाँ से शॉप कर ली जाए। मसूरी से कैंपटी फॉल जाते टाइम हमें रुकना पड़ गया क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा था है। सॉरी कई बेचारे थक गया क्योंकि हम रास्ते में रास्ता भटक भी गए थे इसलिए। चलो भैया हम निकलते हैं, आधा घंटा बर्बाद हो गया क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे। आगे बोल। रास्ता भटक गए थे वो मैं बता नहीं सकता क्यों भटक गए थे, क्योंकि उसमें मेरी ही गलती थी। यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया नज़ारे और पहाड़ हैं, मन करता है बार बार रोक रोक के फोटोज क्लिक कराएं, वीडियोस रोको। फाइनली हम कैंपटी फॉल पहुंच चुके हैं और कितना अच्छी लग रही है पानी की आवाज़। तो दोस्तों हम फाइनली कैंपटी फॉल पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और बहुत प्यारा साउंड आ रहा है, हाँ रश भी है यहाँ पे। हमारे साथ के दो बंदे यहाँ बैठ के चिल कर रहे हैं,
मैं आपको दिखा देता हूँ। और बंटा पियोगे? यहाँ बंटा पी रहे हैं और यहाँ पे जो रेट है वो 30 रुपीज़ है और काफ़ी बढ़िया मिलता है। तुमने पी लिया? ओह एक और भाई, भाई भाई को इतना पसंद है, एक और लगवा रहे हैं। चलो फिर तो मेरे लिए भी लगवा दो भैया, तीन लगा दो, तीन बना दो। तो अब हम कैंपटी फॉल के लिए जा रहे हैं। कैंपटी फॉल के लिए जाने के लिए आपको ये मार्केट से होकर गुजरना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉन्ग वे है बट आप इजीली जा सकते हैं। तो वही जा रहे हैं अच्छे से। हाँ जी कमल, कमल थका तो नहीं? बिल्कुल यार है? मज़ा तो इतना आ रहा है। हाँ कि पूछो मत, एक पल भी ये नहीं लगा कि यार यहाँ आके कोई गलती तो नहीं की या पैसे ज़्यादा तो नहीं लगे? हाँ ये तो है, पूरा पैसा वसूल। हमारा पूरा ट्रिप बहुत ही ज़्यादा मजे में जा रहा है। जो मज़ा आया वो है रोड ट्रिप पे, जो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस तेरे मेरे रोड पूरी फॉग वाली और आकाश पूरी पहाड़। मैं नहीं रियल वाले आकाश। नीचे वाटरफॉल में जाके नहाएगा? प्लान तो रहा है लेकिन ज़्यादा टाइम हमारे पे है नहीं। नहीं मानेगा? मन तो है लेकिन। अरे नहाएंगे, मौज करेंगे यार। जो भी आने में यहाँ पे तकलीफ हो रही है ना चलने में, वो वहाँ पे जाके पूरा करेंगे हम। क्यों? वैसे हमारा आज लास्ट डे है और हमें सबको जल्दी जल्दी करना है। बस ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हैं, वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्त हमारे मस्ती करते हुए कैंपटी फॉल में फुल मौज आ रही है। ओए इसको ना, बार बार क्यों जा रहे हैं? दोस्तों कैंपटी फॉल हम घूम के आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं। उसके बाद हम सीधा मसूरी के लिए निकलेंगे और उसके बाद सीधा देहरादून। हमारी आधी जनता थकती हुई भाई, पेट निकला भाई। बता दो। तो अब हम मसूरी से देहरादून के लिए निकल चुके हैं। बाय बाय मसूरी।
बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फिर आना होगा यहाँ पे। देहरादून पहुँच गए हम और यहाँ बारिश हो रही है। और हमने टांगे और घुटने खिला लिए हैं। अरे हाँ, हमारा बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। दिखाओ कहाँ का लगी है, जोर से लगी है। एक भाई का मेरे और उसका भी पैर टूटा है, हाथ दिखाओ, हाथ भी टूटा है। और ये ट्रिप हमारी यादगार ट्रिप बन चुकी है। इसमें हमारे चलान भी कटे हैं, बेहतरीन चलान भी कटे हैं, स्कूटी से भी भिड़े हैं। हाँ, स्कूटी से भिड़े हैं, बच्चों के चोटें लगी हैं। यादगार ट्रिप। ये हमारा देहरादून का स्टेशन। तो दोस्तों, हम अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रिप एंड होते हुए